हेलो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं टाटा मोटर और रिलायंस इंडस्ट्री में दोस्तों बहुत अच्छा जो है ग्रोथ देखा जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई तकलीफ़ आ रही है तो दोस्तों आप जाके जीरोधा के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ इंडिया की नंबर वन ब्रोकरेज कंपनी है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज के डेट में यहाँ पर देखा जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री में, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा मोटर में आपको अपर सर्किट दिया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं दोस्तों जो आज यूट्यूब में वीडियो अपलोड मारेंगे और बताएंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री में आपको अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है या टाटा मोटर में आपको अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है, लेकिन आपको वो रास्ता नहीं बताएंगे। कौन सा रास्ता जो आपको क्या करना चाहिए? आपको अगर पहले से आपने बाइंग की है तो आपको होल्ड करना चाहिए, या आपको अभी ही खरीदारी करना चाहिए, या आपका अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाहिए। दोस्तों आधा से ज़्यादा यूट्यूबर आपको ये बोल के फंसा देंगे कि मतलब ये अच्छा है, ये नहीं करना है, ये मतलब मे बी मे नॉट बी, शायद में आपको फंसा देंगे। और जैसे कि मैंने बोला दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले हम रिलायंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें देखिए एक सीजनल गिरावट आ रही थी, ठीक है। इसने एक हाईएस्ट बनाया था, 1600 को क्रॉस किया था, यहाँ पर देख लीजिए 1600 से भी ज़्यादा हाई मारा था। और उसके बाद ठीक है, ये देखिए 1600 को क्रॉस किया था, उसके बाद दोस्तों इसमें गिरावट आने लगा और इसने 1500 से भी नीचे चला गया। ये देख सकते हैं 15 बिलो 1500 चला गया था, और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 1500 के आसपास ही चला गया था, ठीक है। मतलब कि दोस्तों जस्ट इसने जो है 1500 का लेवल को तोड़ा था, उसका बाद दोस्तों ये अपर सर्किट मारना स्टार्ट कर दिया। क्या आपको पता था कि दोस्तों ये जो है 1500 का लेवल जो है टच करेगा? यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा जूम करने से आपको पता चलेगा, यहाँ पर जो है इसने देखिए 1500 का लेवल को टच किया। क्या दोस्तों अगर आपको पता रहता कि 1500 का अगर जैसे ही लेवल ये टच करेगा उसके बाद मुझे बहुत हेवी क्वांटिटी में बाय करना है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला, तो आप खरीदारी करते कि नहीं करते? अगर आपको पता चलता तो बिल्कुल करते। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने साफ साफ बोला था कि जैसे ही 1500 का लेवल तोड़ेगा आपको खरीद लेना है, ठीक है। और मैं आपको प्रूफ देना दिखाना स्टार्ट करता हूँ, आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए। पहला ये देख लीजिए दोस्तों, आपके पास थंबनेल है रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ देख सकते हैं भारी गिरावट बाय करें, यहाँ पर देख लीजिए थंबनेल है। थंबनेल के साथ यहाँ टाइटल में आपको दिखा देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री भारी गिरावट बाय करें, लेटेस्ट बिग न्यूज़, ठीक है। ये अब मैं आपको डेट दिखाता हूँ, ठीक है, डेट, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। डेट से सब कुछ आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 31 दिसंबर को, मतलब 31 दिसंबर को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, और आपके सामने अभी वीडियो अपलोड आप वीडियो जो है प्ले करूँगा, और करने के बाद यहां पर मैंने बोला भी है कि दोस्तों जैसे 1500 का लेवल तोड़ेगा आपको बाय करना है, और ऊपर से यह भी मैंने बोला कि दोस्तों आपको खरीदना है करके, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड में दोस्तों, कोई हिचकिचाहट नहीं और कोई फंसाने वाला चीज नहीं, जैसे मे बी मे नॉट बी। दोस्तों शेयर मार्केट का बहुत ही स्ट्रांग कंपनी में भारी गिरावट आ रही है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी गिरावट आते जा रही है, और ये देख लीजिए दोस्तों गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री का एक हाईएस्ट प्राइस मारा था, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों 1600 से भी ऊपर चला गया था, 1600 से भी ऊपर। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों, और किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्री जिससे आने वाले दिन में हमें प्रॉफिट हो? तो दोस्तों न्यूज बताने से पहले मैं दिखा देता हूं हाईएस्ट प्राइस, ये देख सकते हैं 1600, ठीक है दोस्तों 1600 का ये लेवल भी तोड़ दिया था, 1600 से ऊपर भी जा रहा था। लेकिन दोस्तों एक महीने के अंदर देखिए, वन मंथ विद इन ए मंथ, ये देखिए स्टॉक जो है भारी गिरावट के साथ, ये देखिए 1500 का लेवल को ये देखिए टच करने वाला है 1500 का। तो दोस्तों ये लेवल जैसे ही जैसे नीचे जा रहा, तो आप खरीदारी करने के लिए भी रेडी रहिएगा। तो देखा आपने दोस्तों, मैंने यहाँ पर साफ साफ बोला दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए मैंने साफ साफ बोला कि यहाँ देखिए जो लोअर लेवल बना रहा दोस्तों 1500 का जो लेवल है यहाँ टच करने वाला, तो जैसे जैसे ये नीचे जा रहा दोस्तों आपको इस लेवल पे खरीदारी करना है। एक बार और मैं आप लोगों को वीडियो को देख के पीछे जाके सुना देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा से एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए।
हाईएस्ट प्राइस ये देख सकते हैं 1600, ठीक है दोस्तों 1600 का ये लेवल भी तोड़ दिया था, 1600 से ऊपर भी जा रहा था, लेकिन दोस्तों एक महीने के अंदर देखिए वन मंथ विदिन ए मंथ ये देखिए स्टॉक जो है भारी गिरावट के साथ ये देखिए 1500 का लेवल को ये देखिए टच करने वाला है 1500 का। तो दोस्तों ये देखा मैंने बोला 1500 का लेवल टच करने वाला है, लेवल जैसे ही जैसे नीचे जा रहा तो आप खरीदारी करने के लिए भी रेडी रहिएगा। तो देखिए दोस्तों और ये रहा आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट, आज का करेंट प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 1549, ये 50 का हाईएस्ट बनाया था 1550 का, और देख सकते हैं दोस्तों 1500 का लेवल जैसे थोड़ा सा ही टच करके नीचे गया था दोस्तों, थोड़ा सा ही टच करके नीचे गया था, उसके बाद देखिए इसमें जो है बाउंस बैक आना स्टार्ट हो गया है। अब दूसरा स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों टाटा मोटर। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि देखिए एक दिन पहले बताया गया था, तब अगर आप पहले वीडियो देख लेते तब आप खरीदारी कर सकते थे और बाय करके आप रख सकते थे। तो ये होता है बहुत लोग जो है अपने वीडियो में अपलोड मारेंगे, बताया जाएगा कि आज जो है रिलायंस में रिकवरी देखी है, मुझे भी दिख रहा आपको भी दिख रहा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3% का जो अपर सर्किट दिख रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा? मुझे भी दिख रहा, शाम को कोई भी वीडियो अपलोड मार सकता है परफॉर्मेंस होने के बाद। अरे भाई पहले बताओ तब तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ क्या करूं, क्या एक्शन लूं, जिससे अगर मैं लॉस में जा रहा हूं तो रिकवर कैसे होगा, तब नहीं बताएंगे। जब प्राइस नीचे गिरेगा किसी भी स्टॉक का तो बोलेंगे इसमें भारी गिरावट देखी जा रही है, और जब प्राइस इंक्रीज होगा किसी भी स्टॉक का तो लोग बताएंगे इसमें बहुत ज्यादा अपर सर्किट लग रहा है, ये क्या बात हुई। ठीक है अब देख लेते हैं टाटा मोटर का। टाटा मोटर में यहां पर देख सकते हैं 5-6% का बहुत अच्छा जो है जंप दिखा गया, आज का हाईएस्ट देख लेते हैं 192.75 है और 192 ही है। ठीक है और टाटा मोटर के बारे में जस्ट कल मतलब यस्टरडे ही मैंने एक वीडियो बना के आपको बोला था, जितना गिरावट हो रहा है आपको होल्ड करना है, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। और ये देखिए मैंने टाटा मोटर का कल ही वीडियो बना के अपलोड किया था, सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 7 है। ठीक है 7 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, आज है 9 जनवरी, मतलब कि दोस्तों एक से दो दिन हुआ ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ देखिए टाइटल भी दिखा देता हूँ, मैंने लिखा था दोस्तों टाटा मोटर खरीदे या रुके पूरी जानकारी कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है अब मैं आप लोगों के सामने वीडियो प्ले करता हूँ और दिखाता हूँ कि दोस्तों टाटा मोटर का प्राइस तब कितना था जब मैं वीडियो अपलोड किया, आज के डेट में कितना है। तो अब हम दोस्तों वापस अपने टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने टाटा मोटर में खरीदारी की है दोस्तों और इसका प्राइस जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी बहुत आज के डेट में भी देखिए 0.70% का यहाँ पर जो है 0.70 का गिरावट है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहले जो था वो डाउन ट्रेंड में चला था, लेकिन दोस्तों अब जितने भी ऑटो सेक्टर है दोस्तों अपर मूवमेंट में जा रहा है यहाँ तक। तो देखा दोस्तों मैंने साफ साफ बोला कि आपको यहाँ पर सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पहले था वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अभी क्या है वो अपर ट्रेंड में चल रहा है, अपर ट्रेंड मतलब ऊपर जाने वाला। एक बार मैं और आपको सुना देता हूं अच्छी तरीके से, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहले जो था वो डाउन ट्रेंड में चला था, लेकिन दोस्तों अब जितने भी ऑटो सेक्टर है दोस्तों अपर मूवमेंट में जा रहा है यहाँ। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो ये करंट मार्केट प्राइस कितना चला था, 184 रुपीज चल रहा था, जस्ट 184 रुपीज चल रहा था, और गिरावट के समय किसी ने भी वीडियो अपलोड नहीं करेगा, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करेगा कि इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा खरीद लो। दोस्तों आपको तभी कोई स्टॉक खरीदना चाहिए जिसका प्राइस डिक्रीज हो रहा, और तब डरना चाहिए जब किसी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा, क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है, जो प्लान को एग्जीक्यूट होना था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, समझ में आ रहा है, जो प्लान को इंप्लीमेंट करना था वो देखा करो अच्छे से। तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों 184 चल रहा था, और मैं आपको फिर से एक बार डेट दिखा देता हूं, देख सकते हैं जनवरी 7 था, और आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हैं टाटा मोटर का देखिए 5% का अपर सर्किट लगा है और 192 का प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों अगर एक दिन में या दो दिन के अंदर आपको 5% मिल जा रहा है तो बहुत ज़्यादा है, बैंक हमें एक साल में देता है और शेयर मार्केट में हम एक दिन में गेन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और देखिए अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है, आप लोगों को ट्रायल डेमो जो भी देखना है दोस्तों आप हमारे यूट्यूब वीडियो में ही देख सकते हैं। कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देता हूँ, ये जो नंबर है ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, ओनली व्हाट्सअप, ये जो नंबर है दोस्तों ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन वही लोग नंबर को नोट कीजिएगा जिनको ये टर्म एंड कंडीशन मंजूर होगी।
क्या? तो दोस्तों जिनको भी देखना है, डेमो देखना है, ट्रायल देखना है, सैंपल देखना है, कुछ भी देखना है, अपने यूट्यूब में जाइए, यहाँ पर सर्च मारिए परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। देखिए मेरा ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर मेरा परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आ चुका है। अब मुझे इसमें क्लिक करना है, इसमें आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा वीडियोज़। आपको वीडियोज़ में जाना है और वीडियोज़ में जाने के बाद आप देखिए आपके सामने सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। 57 मिनट पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया, 2 आवर्स पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया, देखिए 20 दिनों के अंदर 70 पॉइंट का प्रॉफिट, देखिए 2 घंटे पहले ही मैंने अपलोड किया, ये देखिए 9 आवर्स पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले अपलोड किया था। और ये 2 स्टॉक था दोस्तों, 2 स्टॉक में जाके देख सकते हैं अभी का करंट प्राइस और मार्केट ओपन होने से पहले, तो मैंने पहले बताया था तब जाकर आप खरीदेंगे और आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको छोटे छोटे स्टॉक थे लेकिन अच्छा प्रॉफिट हुआ ये दोनों में भी। उसके बाद देख सकते हैं आप हमारे सारे वीडियोज को यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ देखिए टाटा मोटर, मैंने बोला था दोस्तों एक दिन पहले यहाँ पर, देखिए टाटा मोटर खरीदे या रुके, पूरी जानकारी देख सकते हैं टाटा। तो कब मैंने वीडियो अपलोड किया था, एक दिन पहले अपलोड किया था। तो इसी तरह आप हमारे सारे वीडियोस के साथ यहाँ पर देख लीजिए, मैंने 20 दिनों के अंदर 41% का रिटर्न। तो आपको अगर डेमो ट्रायल सैंपल जो भी चाहिए, आप हमारे सारे वीडियोज के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको सर्विस लेना है तो आप आ सकते हैं। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा और मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।